अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफरीदी बाबा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने फाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह लेना है। फाटा यूनिवर्सिटी जो अभी अभी बनी है और फाटा के नौजवानों के लिए 50% कंसेशन फीस में करते हैं और स्पेशली जो गरीब तलबा है जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको स्पेशली इसमें एडमिशन लेना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह अच्छी सी वीडियोस आप लोगों को बना सकूं। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका अभी बताता हूं। तो गूगल क्रोम को खोलते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है जो यूनिवर्सिटी, जो फाटा यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है, आप लोगों ने इसको सर्च करना है इस तरह। और फिर इसके बाद आप लोगों के सामने इसका जो मेन वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, लेकिन आप लोगों जो स्टूडेंट्स हो आपने इससे कुछ काम नहीं करना, क्योंकि ये जो वैकेंसीज और इस तरह एडवर्टाइजमेंट है जो प्रोफेसर्स और इस तरह के लोगों के लिए शाया हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने इसको क्रॉस करना है। इस क्रॉस से आप जब भी इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह एडमिशन और मुकम्मल डिटेल भी हासिल करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर एडमिशन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, आप लोग इसको पढ़े ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीबीए 4 ईयर है, फिर इस तरह बीएस सोशियोलॉजी है, फिर बीएस पॉलिटिकल साइंस है, और इस तरह बीएस इंग्लिश है, और इस तरह बीएस मैथमेटिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस जियोलॉजी। एस डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 50% कंसेशन फॉर फाटा स्टूडेंट्स। फाटा स्टूडेंट्स इस फ़ायदे से फाटा के स्टूडेंट्स इस मौके से अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप लोग नज़र दौड़ाए तो आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन एडमिशन का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने हो जाएगी, और इस तरह पर आप लोगों ने यहाँ पर अपने लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं क्लिक करता हूं और आप लोगों को यहां पे अपना ये अकाउंट क्रिएट करना है। तो किस तरह क्रिएट करना है मैं यहां पे आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे अपना नेम देना है और फिर इसके बाद आप लोगों ने यहां पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर इसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर देना है, और इसके बाद आप लोगों ने फादर का नेम देना है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने लिए एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पे दोबारा से मतलब वो एंटर करना है और फिर नीचे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जब भी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ एक डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। आप जब अपने अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट टू सबमिट फॉर्म इज अक्टूबर 19, 2021, और इस तरह डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 20 तारीख को शाया हो जाएगा, और इस तरह फाइनल मेरिट लिस्ट 22 अक्टूबर को, और इस तरह एडमिशन फॉर्म, द मेरिट लिस्ट, डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फीस, इंटरव्यू, और इस तरह बकाया जो है वो भी 22 डेट पर होगा। और इस तरह आप लोगों ने डैशबोर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से डैशबोर्ड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, और आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, अपना नेम मेंशन करना है, फादर का नेम मेंशन करना है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, और इस तरह डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, फिर इसके बाद फ़ोन नंबर मेंशन करना है, और फिर अपना व्हाट्सएप का जो नंबर हो आप लोगों का वो आप लोगों ने मेंशन करना है। फिर इसके बाद अपना सीनेसी नंबर या बेफाम जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, और फिर इसके बाद फादर का मोबाइल नंबर मेंशन करना है, फिर इसके बाद अदर कॉन्टेक्ट नंबर, बाई वगैरह का है दूसरा नंबर, ताकि वो लोग आपसे रबते में रहें अगर आपका अपना फ़ोन नंबर बंद रहे। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तान को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने डोमिसाइल कौन से एजेंसी या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हो, पे यहाँ पे अपने फादर सीनेसी, और इस तरह रिलीजन अपने कौन से मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हो आप, इन डिसेबिलिटी, फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप मेंशन करना है, और इसके बाद आप लोगों ने
जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फीमेल हो, इसको भी सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कोटा सीट पे अप्लाई कर रहे हो या ओपन मेरिट पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर ओपन पे करना चाहते हो तो ओपन, अगर ना कोटा पे क्लिक करो। और फिर इसके बाद आप लोगों ने सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने डेटा एंटर नहीं किया इसलिए सेकंड पेज इज़ नॉट शोविंग। इसलिए फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, जो आपका मुकम्मल डिटेल एड्रेस होगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करना है स्टेप नंबर टू में। फिर स्टेप नंबर थ्री में आप लोग कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मेंशन करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के बारे में मत मेंशन करना है। और फिर हॉस्टल रिक्वायरमेंट्स, आर यू वांटेड हॉस्टल आर नॉट। और फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फाटा यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत है और हॉस्टल की सहूलत भी है। ये ट्रांसपोर्ट वाले जो है आपको यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक ड्रॉप कर सकते हैं ये लोग। इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। और ये शॉर्ट सी वीडियो थी ताकि आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो फील्ड है यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है कि आप लोग कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री टेस्ट वगैरह दिया है या नहीं दिया है इसके बारे में मालूमात। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। और फिर एड्रेस, आपको जो मौजूदा एड्रेस है परमानेंट और इस तरह टेम्प्रेरी एड्रेस मेंशन करना है। मैंने आप लोगों को सिर्फ सिखाना था, बकाया एडमिशन करना आपकी मर्जी है। और इस तरह फिर इसके बाद आपने सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दोबारा दूसरी जो स्टेप है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।